भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी, आपने 18800 पे 178 बोला था कि ये फॉल है, फायदा उठाइए, दिवाली एकदम शानदार आतिशबाजी वाली होगी। आतिशबाजियां तो शुरू हो चुकी हैं, दिवाली कहाँ करवाने वाले हैं एक हफ्ते में 2019-800। गुड मॉर्निंग अजय जी, बिल्कुल अमृतसर दर्शन करके आया हूँ। 1900 से 1900 का आया मेरे को कॉल, और अब तो प्रियंका आ गई है, अब तो बाजार चलना ही चलना है। दो पंजाबी जन मिल जान थे बाजार से, चलना ही चलना है। दूजी बल आपके पास माल है तो आप फायदे में हो। यील्ड हो गए 4.5 डॉलर हो गया 105, और अर्निंग्स कैचअप तो कोई दो राय नहीं। बैंक निफ्टी विल लीव फ्रॉम द फ्रंट। 2000 पॉइंट की तेजी कह रहा हूं आपको अगले 20 दिन में। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू प्ले, लार्ज कैप्स आर गोइंग टू बी द वंस व्हिच आर बॉट, और 19500 के ऊपर सिर्फ एफआई बाइंग आएगी आपको। ये बात तो आपने सही कही, पूरा परफेक्ट कॉकटेल है एक धमाकेदार मूव के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स घट गया, बॉन्ड यील्ड्स घट गई, नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, ये सारी बातें हम कर ही रहे थे। और गिरावट के समय पे संजीव ने कहा था मौका है, फायदा ले लीजिए, ग्लोबल मार्केट सुधरेगा तो फिर हाथ नहीं लगा पाएंगे आप। आज मैं संजीव जी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स ना बताएं, क्योंकि ये हफ्ता स्पेशल है, हम आपसे दिवाली पिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले एक स्टॉक चुनिए और बताइए कि अगर हम नेक्स्ट दिवाली तक उसे रखना चाहें तो जहां कहां पे शानदार पैसा मिल सकता है, पहला स्टॉक कौन सा होगा आपका? अजय जी, पहला होगा देवयानी इंटरनेशनल। मैंने पहले भी कहा 190-195 पे, 180-185 है। अगर आप QSR देखिए, आप डिलीवरी देखिए फ्रॉम Zomato, Paytm, आप कोई भी नंबर देख लीजिए, जुबिलेंट, यू नो ये एक मिलेनियल बाइंग है, देयर इज नो स्टॉपेज आपके पास। मैं बताऊं, कल मैं अमृतसर एयरपोर्ट पे था, कॉस्टा कॉफी इज द टॉप ब्रांड ओवर देयर, स्टारबक्स दिखा नहीं। बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा स्टारबक्स इज अ ह्यूज प्ले, बट कॉस्टा कॉफी, पिज्जा हट, केंटकी आर ह्यूज ब्रांड्स। अब आपको अगर मिलेनियल स्पेंडिंग और जिस तरह से ईज ऑफ QSR पे डिपेंड करना है, तो मेरा टॉप पिक देवयानी है। 350 से पहले आप इसको मत बेचना, 350 का भाव इसमें आ रहा है एक साल में, और 100% मेरे को ये सबसे बढ़िया शेयर मेरा दिवाली पिक होएगा। संजीव जी, ये तो हुई दिवाली की धमाकेदार एक पिक, एक साल के नजरिए इसके साथ आपको निवेश करना है। अब इस हफ्ते के स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या होंगे, आज के भी कुछ और ट्रेड्स भी समझेंगे, लेकिन ऐसे तो जाने नहीं देंगे हम, दिवाली की एक पिक से हमारा मन नहीं भरा, एक और पिक बताइए हमें। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका, द अदर पिक विल बी कैन बैंक। मुझे लगता है PSU बैंक्स में कैन बैंक इज आउट परफॉर्मिंग, और कोई दो राय नहीं। जिस तरह उनके निम और उनकी जो बुक एक्सपैंड कर रही है, कैनरा बैंक आर्ग्यूबली इज द बेस्ट प्ले ऑन द PSU बैंक्स, और मुझे लगता है कैन बैंक यहाँ से 450 का आपको लक्ष्य देगा। ये देखिए, ये न्यू हाई पे जा रहा है, तो इट इज नॉट दैट कि ये आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन आई वॉन्ट टू गो विथ क्वालिटी। कैन बैंक वुड बी माई अदर टॉप पिक ऑन द फॉर दिवाली फॉर वन ईयर। ठीक है बसी साहब, आपके दो शेयर्स तो हमको मिल गए दिवाली वाले, जिसमें देवयानी बता रहे हैं और आप कैन बैंक बता रहे हैं, अलॉन्ग विद द रीजनिंग आप उसके रीजंस भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों आप उसको बाय करने की बात कर रहे हैं। बसी साहब, आपने अर्निंग्स के बीच में थोड़ा टाइम निकाल के देखा भी होगा कि कौन से शेयर्स की अर्निंग आई है अच्छी, या फिर जहां पर आपको वैल्यू और ग्रोथ दोनों अच्छा दिख रहा हो, वो शेयर्स भी लगे हाथ बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। डिम्पी जी देखिए, कोटक बैंक में थोड़ी अनसर्टेनिटी थी विद उदय कोटक गोइंग, बट इतना लार्ज इंस्टीट्यूशनल बैंक, और आज अभी आपने पढ़ा है कि ज्यूरिक इज बाइंग द इंश्योरेंस फॉर अ वेरी वेरी रीजनेबल, यू नो, एक्सेप्शनल अमाउंट। उनके जो पेडिग्री साइड बिजनेसेस हैं उसकी तो आप वैल्यूएशन दे ही नहीं रहे। तो अगर मुझे मार्केट में भी तेजी दिख रही है, मुझे लग रहा है रिलायंस और HDFC और कोटक ने पार्टिसिपेट करना ही करना है। इस भाव पे 1730 रुपए पे कोटक पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। 1850 का टारगेट है और 1700 का स्टॉप लॉस। कोटक बैंक इज एन अनक्वेश्चनेबल बाय हियर। इट विल आल्सो ऐड लेग्स टू द बैंक निफ्टी, विच आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन एज एन इंडेक्स। मेरा दूसरा पिक आप कहें तो मैं वो भी बता दूं आपको, जो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल सर, बताइए, वेट कर रहे हैं हम तो, बिल्कुल बताइए सर। तो देखिए, आपने अडानी पावर के नंबर देखे, दे वर एक्सेप्शनल। अडानी पावर की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ की है, मगर द बेस्ट एंड द मैक्सिमम इंटीग्रेटेड पावर प्लांट, पावर प्ले प्रोड्यूसर इन द कंट्री इज टाटा पावर। टाटा पावर EVs में जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, जिस तरह से उनके बाकी बिजनेसेस कर रहे हैं, इज एक्सेप्शनल।
और मुझे लगता है कि टाटा पावर जैसा शेयर है नहीं जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ये इट विल पावर योर पोर्टफोलियो। 244.45 में लीजिए, 236 का स्टॉप लॉस रखिए, 235-36, 270 इसकी अर्निंग्स है। और मैं कह रहा हूं ये क्वार्टर में जो अर्निंग्स है लास्ट 12 क्वार्टर से बेस्ट आएगी, और अर्निंग्स आर देयर ऑन दी 8th, वेरी वेरी श्योर। जिस तरह से अडानी की री रेटिंग हुई है, टाटा पावर अगर 270-75 निकल गया तो आपके हाथ नहीं आएगा ये शेयर। इस भाव पे टाटा पावर इज अ मस्ट बाय। ठीक है, टाटा पावर, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आप दो चार दिन से बता भी रहे हैं, दो दिवाली की पिक आपने दे दी हैं, दिव्यानी और कैनरा बैंक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाल के रिसर्च करके हमारे सामने इस सारी बातें रखी हैं, बहुत शुक्रिया बसीन साहब, थैंक यू वेरी मच। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। कल जब आप देवयानी बोल के गए और दूसरा आपने कैनरा बैंक बताया, तो शाम होते होते ना सर हमारे पास भी एक खबर आ गई कि इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं दिव्यानी इंटरनेशनल के, तो हमने खबर गर्म वाले सेगमेंट में भी आपका ही दिया हुआ शेयर को नोटिस करवाया दर्शकों को, आज इसके नंबर्स हैं। एक तो भसीन साहब मेरे को आज के आप अपने शेयर्स दिवाली वाले जरा पहले बताइएगा, फिर मैं थोड़े कुछ और मोमेंटम या खबर वाले शेयर्स का आइडिया आपसे लूंगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, अभिषेक को भी और प्रियंका को। पहले आपको अपडेट दे दूं, 90 रुपए में आपको खुल के कहा था IOC के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आएंगे, ये आउट परफॉर्मर है, 10% की चाल आई है जबकि इंडेक्स ने कुछ भी नहीं किया, देख लीजिए भाव 90-99 हो गया। दूसरा, 2 हफ्ते से कह रहा था स्पेशलिटी केमिकल्स है बॉटम डाउन, चाइना की वेट मत कीजिए, नंबर्स विल बी वेरी स्ट्रांग। SRF, दीपक नाइट्राइट और आरती, ये तीन मैंने सजेस्ट किए थे स्लोडे लॉन्गर टर्म के लिए, कल ही कल में 6-6 और 10-10% बढ़ के आए हैं। तो डीपी जी, कई बारी हम थोड़ा से गलत होंगे क्योंकि मार्केट का माहौल है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में आपको विश्वास करना है। शेयर बाजार में क्या कमाता है, होल्डिंग पावर, और बैठना पड़ता है जब टाइम टफ हो। आप कल कल का एग्जांपल ले लीजिए, स्पेशलिटी केमिकल में क्या पुलबैक आया। आज के दिवाली के टॉप पिक्स है AB कैपिटल, मैंने ये शेयर बहुत पहले 90, 100, 110, AB कैपिटल हैज गॉन अ सी चेंज, जो नया मैनेजमेंट आई है ICICI से, जो MD आई है, शी हैज टर्न अराउंड दिस स्टॉक। देखिए, इट हैज 4 businesses, NBFC में जहां उनकी बुक इज द हाईएस्ट एवर इन द रिकॉर्ड, सेकेंड हाउसिंग फाइनेंस, थर्ड इट्स द AMC की होल्डिंग कंपनी है और एसेट मैनेजमेंट पे दे आर ग्रोइंग लीप्स एंड ब्राउंड, और फोर्थ इंश्योरेंस बोथ लाइफ एंड हेल्थ में, दिस इज द होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट वॉज 705 करोड़ दिस क्वार्टर अगेंस्ट 488। और आगे के लिए मुझे लगता है एज एन NBFC सबसे बढ़िया, इवन बेटर देन बजाज, दिस इज परफॉर्मिंग और वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। साथ में इट कम्स फ्रॉम द पेडिग्री हाउस ऑफ AB ऑफ आदित्य बिरला, जहां मुझे कोई दो राय नहीं कि ये शेयर आपको 250 रुपए का भाव दिखा के जाएगा। तो दिवाली का टॉप पिक है AB कैपिटल। दूसरा दिवाली का पिक है AU बैंक। AU बैंक हैज अंडर परफॉर्म क्योंकि उन्होंने एक मर्जर अनाउंस किया विद स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, और मुझे लगता है मार्केट स्प्रेड में राजस्थान, वेस्ट में, ईस्ट में और महाराष्ट्र रीजन में दे आर स्प्रेडिंग वेरी वेरी फास्ट, और ये समय है NBFC स्ट्रोक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का। AU फाइनेंस की जो क्रेडिट ग्रोथ और रीच है वो बहुत स्ट्रांग है, तो 670 पे इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, 800 रुपए का टारगेट मुझे दिखता है इन AU बैंक। ठीक है, तो ये दो शेयर ए लीटर वाले, एबी कैपिटल 170 रुपए का भाव और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अगर आपके पोर्टफोलियो को लंबी अवधि में अगर रोशन करना है, जगमग करना है, तो ये दो काम करेंगे। लेकिन भसीन साहब, आज के पटाखे कौन से हैं, आज कहां पर धमाका होगा? तो देखिए अभिषेक, आपको मैंने पीछे भी कल परसों में प्रियंका को जिंदल स्टील दिया था एज अ ट्रेडिंग पिक 595, कल 626 बिका, 5% अप था। मुझे अभी भी लगता है मेटल्स में रैली शुरू हो रही है और आपको उनके रिजल्ट डिस्काउंट करने। तो टॉप पिक है वहां हिंदुस्तान कॉपर के 10 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत शानदार है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉपर माइंस इन द वर्ल्ड, और मुझे लगता है जो ट्रांजिशन हुआ है उसका, कॉपर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू इंच अप ऑन अ वीक डॉलर। ये शेयर 175 रुपए का भाव दिख सकता है, एज अ ट्रेडर आप 145-147 में लीजिए, 139 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट मैं दूंगा इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा पिक है मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट, ये एज ए डिस्क्लोजर मैं 5 साल से ओन करता हूं और मैं अगले 15 साल तक नहीं बेचूंगा।
आईडीएफसी फर्स्ट ने बहुत स्मार्ट रैली दी, 35 से 100 हो गया, वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है बिकॉज द कैपिटल दे हैव रेज मोर कैपिटल, बट मिस्टर वैद्यनाथन जैसा बैंकर नहीं है। 80-82 रुपए में आपको मिल रहा है, 78-50 का स्टॉप लॉस रखिए, दिवाली वाले दिन इसका भाव 90 रुपए होना चाहिए मेरे हिसाब से। पसीन जी ठीक है, तो ये आज दो स्टॉक्स जो आज के पटाखा स्टॉक्स होंगे दिवाली से पहले, और कुछ दो लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल नजरिए से भी आपने पिक्स दी। पसीन जी, आपने जो केमिकल स्पेस पे काफी समय से अपना कन्विक्शन दिया था, मस्ट कंग्रेचुलेट यू SRF और दीपक नाइट्रेट और तमाम स्टॉक्स जो कल अच्छी मूव के साथ थे, पर क्या एक बार के लिए टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से इसे एक डेड कैट बाउंस भी कई लोग कह रहे हैं, इस स्पेस में आरती इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स आए, क्या आपको लगता है धीरे धीरे फंडामेंटल थोड़े से बेटर हो रहे हैं केमिकल स्पेस आउटलुक के? क्योंकि आप चैनल चेक से देखें तो जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं, केमिकल कमोडिटीज हैं, केमिकल आइटम्स हैं, उनके पीक से 50-50% प्राइस गिर चुके हैं। करेक्ट प्रियंका, बट दैट इज इन द प्राइस। एसीटोन प्राइसेस फ्रॉम 25 हैव कम डाउन टू 15 एंड सो हैज फिनाइल, बट आई थिंक जो अब उनमें अपसाइड आएगा गिवन दैट चाइना रिबाउंड, गिवन द केस दैट वैल्यूएशंस हैव बिकम अट्रैक्टिव, तो आपको इन्वेस्ट तब करना है जब देयर इज यू नो नंबर्स आर डिस्काउंटिंग द फ्यूचर। एंड SRF का मैनेजमेंट ही ले लीजिए, वो कितना ऑप्टिमिस्टिक था ऑन द सेकेंड हाफ। दूसरा आपके लिए हमेशा होएगा डेड कैट बाउंस, आज भी आ रहा है कि मार्केट्स आर इन फॉर अ डेड कैट बाउंस, डोंट गेट सकते, दे विल ऑलवेज बी टू कॉल्स ऑफ द मार्केट, वन इज ऑन द बुल साइड, वन इज ऑन द बेयर साइड। हम तो पेरिनियल बुल है, हम तो यही कहेंगे कि आप अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे तो आप कमाओगे क्या। अभी भी मैं सोचता हूँ 19700 के ऊपर दिवाली मनेगी तो बी पॉजिटिव, और स्पेशलिटी केमिकल में पर्टिकुलरली SRF और दीपक नाइट्राइड, ये दोनों मेरे हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने अक्यूमुलेट किया है एज अ डिस्क्लोजर। हमें लगता है ये शेयर यहाँ से अगले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो शॉर्ट टर्म में दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड अ लॉट ऑफ द प्राइसिंग ऑफ दीज केमिकल्स, बट आई वुड से के इन्फ्लेशन प्रेशर विल सी दीज प्राइसेस राइज इन टैंडम एंड यू शुड बी लुकिंग टू बाय दीज इन अ पोर्टफोलियो। बनानी चाहिए आपको केमिकल स्टॉक्स की जिसमें SRF और दीपक नाइट्रेट ये टॉप पिक्स होंगी संजीव भसीन की। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए और ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार उम्मीद करेंगे आपके लिए ये दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत प्रॉस्परस हो, और आपके जो भी चाहने वाले हैं उनके पोर्टफोलियो में भी चौके छक्के पटाखे फुलझड़ियाँ फूटें। सर बताइए आज कहाँ पर फोकस करें हम? गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको डिम्पी को और प्रियंका को और बहुत बहुत शुभ दिवाली। और आपने दिवाली का पहले ही ट्रेलर देख लिया, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई, REC PFC न्यू हाई, एक हफ्ते में IOC 88 वाला 104 और क्रूड का भाव 15% नीचे, तो क्यों मायूसी? 19700 पे ये दिवाली मनेगी, शायद उससे ऊपर। और आपको बता दूं, सब यही कहेंगे कि PSU और रेलवे और डिफेंस ओवर प्राइस्ड है, लेकिन उनके कमबैक्स तो देखिए, कल आपने HAL देखा, कल आपने BEL देखा, तो मुझे लगता है लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत लार्ज है। इंडिया में ETF सेलिंग जो FIS की थी वो नियर टर्म एग्जॉशन पे आ गई है, और अब मुझे लगता है कि मार्केट में चाल और पकड़ेगी विद द ब्रॉडर मार्केट कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। तो सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और ET स्वदेश देखते जाइए और हमसे रोज अच्छे अच्छे कॉल्स लीजिए जो आपका पोर्टफोलियो सजाएंगे, थोड़े नियर टर्म में, थोड़े लॉन्गर टर्म में। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं संजीव जी, तो आज पहले दिवाली पिक से ही शुरुआत कीजिए। हमारे व्यूअर्स को आप कौन सी खास दो स्टॉक्स रेकमेंडेशन बता रहे हैं जो इस दिवाली से अगले दिवाली तक रखें? तो प्रियंका, पहला पिक है RBL बैंक। देखिए, RBL बैंक हैज नाउ टर्न अराउंड वेरी वेरी स्ट्रांगली। इनफैक्ट लास्ट वीक में मुंबई में उनके मैनेजमेंट के साथ था प्रेजेंटेशन पे, और उन्होंने बताया कि शायद आपको पता नहीं, असाइड फ्रॉम आर बैंक ब्रांचेस आर एनआर इन हाउस NBFC हैज गॉट 8,800 ब्रांचेस हैं, और वो जो आपका MSME 2 tier पे जो लोन डिसबर्सल्स है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट दे हैव एवर सीन इन द लास्ट 3 years। मुझे RBL एज अ डिस्क्लोजर, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है कहीं नीचे भाव से, लेकिन मुझे लगता है RBL इज वन मिड कैप बैंक जो री रेट होगा ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स, ऑन द बैक के इसमें कोई ओनरशिप नहीं है। आपने पढ़ा ही है, M&M has picked up a 4% stake, it will become the largest shareholder, और सम ऑफ पार्ट्स में इस जैसा मिड कैप बैंक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 350 का भाव अगली दिवाली तक इसमें आया ही आया। बैंक पे तो आप बहुत समय से इनफैक्ट बुलिश हैं,
और इस स्टॉक ने एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स अदर बैंक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाई भी है संजीव जी, दूसरी एक रिकमेंडेशन कौन सी होगी? प्रियंका जी, दूसरा है अशोक लीलैंड. अशोक लीलैंड हैज अ 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट. इट्स द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड. और आप देख ही सकते हैं जब आप इंडिगो ट्रैवल करते हो सारी नीली बसेस अशोक लीलैंड की हैं. उनका पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल में दे आर गेनिंग मोर मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर. और जो उनका इंटरमीडिएट कॉम्पोजिट कमर्शियल व्हीकल है दोस्त, वो और मार्केट शेयर गेन कर रहा है. सम ऑफ पार्ट्स अशोक लीलैंड इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो. मुझे कोई दो राय नहीं कि इसका भाव 225 जाएगा. और ये एक पेडिग्री स्टॉक है जो ब्लू स्टॉक ब्लू चिप है. और जिस तरह से हिंदुजा अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इन द बैंक एंड अशोक लीलैंड इज देयर फ्रंट रनिंग कंपनी, उनका जो टाई अप है और साथ में जो कमर्शियल व्हीकल की डिमांड आप देख रहे हो एंड द न्यू मॉडल्स विच दे हैव, ये एक परफेक्ट ऑटो स्टॉक है टू हैव इन योर पोर्टफोलियो. 225 का भाव कम से कम आपको दिखना चाहिए अगली दिवाली तक. ठीक है भसीन साहब, आपने दो शेयर दे दिए, एक तो आरबीएल बैंक और अशोक लीलैंड. मेरे को अच्छे से याद है आपने दिव्यानी फूड्स भी बोला था, वो भी अच्छा चला. और आपके काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आपने रिलायंस आईसीआईसी भी नोटिस उस समय करवाया था जिस समय उनका बेस बना था. सर ये टिपिकली सारे के सारे शेयर अमूमन एफएंडओ के शेयर्स हैं. कई बार क्या होता है ट्रेडर्स का इन्वेस्टर्स का थोड़ा मन होता है कुछ कैश के स्टॉक्स को होल्ड करके रखने का, तो आप मेरे को एक दो शेयर कैश के बता सकते हैं? आज मैं आपको याद कर रहा था जब बीएल कश्यप पे खबर आई थी 270 करोड़ रुपए का उसको ऑर्डर मिला है, मैं आपको याद ही कर रहा था उस समय कि आपने हमको टाइमली बताया था वो शेयर. सर ऐसा कोई एक दो कैश के शेयर और बता दीजिए. डिम्बी जी आपको याद है 3 सितंबर को मैं आपके स्टूडियो आया था, आप शायद नहीं थे, और मैंने प्रियंका को एक थोड़ा सा पेनी स्टॉक कहा था जेपी पावर 8.50 रुपए पे. मैंने कहा था ये लेके होल्ड करिए क्योंकि पावर की जिस तरह मूवमेंटम है जेपी पावर और जेबिटा पॉजिटिव. आपको पता है कल वो 14.5 रुपए बिका, 70% 2% दो महीने में बढ़ा है जेपी पावर और जेपी एसोसिएट. आपने सही फरमाया 30-32 रुपए पे मैं बहुत बुलिश था बीएल कश्यप. और मैंने कहा क्योंकि बीएल कश्यप इज आउटसोर्सिंग ऑल द ऑर्डर्स ऑफ ब्रुकफील्ड, और जितना उनका बाय ऑर्डर जितना उनका एग्जीक्यूशन है वो सब बीएल कश्यप कर रहे हैं. अब इस समय ऐसा कोई 3000 शेयर तो निकला नहीं, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूं आइडिया कैन बी अ बिग आउट परफॉर्मर. मैं इसलिए तीन कारण कह रहा हूं. एक, उसका आरपूज आर बैक टू 142, 33% ऑफ इट्स डेट इज नाउ कन्वर्टेड बाय इज होल्ड एंड हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इक्विटी. उसने कोई भी बैंक के लोन में कभी डिफॉल्ट नहीं किया. चौथा, AGR की रिकैलकुलेशन से लगभग 22,000 करोड़ का एस्टिमेटेड गेन हो सकता है. फिफ्थली, मार्केट शेयर उनका लूज होना बंद हो गया कंज्यूमर. और फिफ्थली, द प्रमोटर्स आर विलिंग टू पुट मनी इनटू द यू नो इन्फ्यूज कैपिटल व्हिच विल गिव अ रिन्यूड सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कॉन्फिडेंस. तो 12-13 रुपए में अगर आपको मिले वोडाफोन कैन बी अ डबलर. एज अ डिस्क्लोजर, ये हमारे अच्छे क्लाइंटों के पास भी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, सो आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट. अब आप कहें तो मैं आपको और बताऊं के क्रूड के फॉल और आईओसी और देवयानी का भी एक और जिक्र करूं. कल शेयर के भाव नीचे आया, वो इस कारण से है क्योंकि उन्होंने जो न्यू स्टोर्स खोलना शुरू किए न्यू आउटलेट्स दैट हैज बीन द हाईएस्ट इन दिस क्वार्टर. तो जो उसपे कॉस्ट आती है वो एज अ कॉस्ट एक बारी के लिए आपको बेयर करनी पड़ती है. बट आगे जाते हुए आई वुड एक्सपेक्ट एबिटा मार्जिन नेट प्रॉफिट लेवल्स टू राइज वेरी मच इन सिंक. अभी भी उसका रीच इज ग्रोइंग रैपिडली. और अब अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आप जाएंगे देवयानी इज अ वेरी मच एंटिटी विद कोस्टा कॉफी एंड द अदर ब्रांड्स ओनली गेनिंग मार्केट शेयर. ठीक है, तो कई सारे शेयर भसीन जी के लिस्ट में ऐसे थे जिनसे बहुत उम्मीदें नहीं थी लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आपको वो शेयर करा रहे हैं इस वक्त. लेकिन भसीन जी, कल आपने मैक्सवेल की पारी देखी क्या? मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, कभी ऐसी देखी नहीं. आपका तो लंबा अनुभव है क्रिकेट का, आपने मैच तो डेफिनेटली देखा होगा, मान के चल रहा हूं मैं. बिल्कुल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. मैंने ऐसी बैटिंग देखी नहीं एट विल. उसने चौके और छक्के मारे इन अ स्टैंडिंग पोजीशन. अभिषेक ही वाज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ अ हैमस्ट्रिंग, वो भाग भी नहीं सकता था. लेकिन आई मीन इट वाज ब्रूटल. इट इज लाइक आप किसी को नेट प्रैक्टिस करा रहे हैं. और मुझे दुख भी हुआ क्योंकि मेरे लिए अफगानिस्तान हैज बीन द स्टार रेवलेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट. इतने जिसे कहते ना इतने दृढ़ निश्चय के साथ वो टीम उतरी है
इतने साल की मेहनत और क्या परफॉर्मेंस किया है। तो क्यूडॉस टू ग्लेन मैक्सवेल जिसने एकदम टर्न अराउंड कर दिया और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट ऑल्सो आई वुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू द अफगानिस्तान टीम टू रीचिंग वेयर दे आर। निश्चित तौर पर करिश्माई पारी कह सकते हैं मैक्सवेल की, और किसी को यकीन नहीं था कि 90 के आसपास 7 विकेट, उसके बाद डबल सेंचुरी मारना, टीम को जिताना, ये तो खैर मैक्सवेल कर सकते हैं, पहले भी उन्होंने करके दिखाया, लेकिन ये पारी बिल्कुल खास, बिल्कुल अलग। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए, ट्रेड के लिहाज से भी, और किसी को अगर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखना है उसके लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका सर आज।